हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा चैम्बर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गिफ्ट डीड क्या होती है, गिफ्ट डीड के अंदर कौन कौन सी पार्टीज इंक्लूड होती हैं और गिफ्ट डीड को लिखने का क्या फॉर्मेट होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं कि गिफ्ट क्या होता है। सबसे पहले अगर हम गिफ्ट को देखें इन जनरल सेंस, तो गिफ्ट क्या है? गिफ्ट विच शैल जनरली इन्वॉल्व The transfer of ownership of a property. Gift क्या है? Generally ownership को transfer कर दिया गया है किसी और को। और property कैसी होनी चाहिए? Which may be in the form of movable or immovable and shall be delivered by one person to other person. Gift क्या है? Transfer of ownership है property का। Property दोनों include होती है इसमें, movable भी और immovable भी। और डिलीवर किसके द्वारा की जाती है? एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप जब ट्रांसफर कर दी जाती है तो उसको हम कहते हैं गिफ्ट। अब अगर हम लीगल सेंस के अंदर देखें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन नंबर 122 हमें बताता है कि गिफ्ट क्या होता है। गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी made voluntarily and without consideration by one person called the donor to another called the donee and accepted by or on behalf of the donee. इसके अंदर क्या है कि gift is the transfer of certain existing movable or immovable property. किस property के transfer को हम बोलेंगे जो exist कर रही है at the time of transfer of ownership, जो exist कर रही है property, चाहे वो movable है या immovable है। Voluntarily अगर उसने किया है, उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है, कोई उसको थ्रेट नहीं है, और विदाउट कंसिडरेशन अगर वो कर रहा है, मतलब कोई कंसिडरेशन नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन voluntarily प्रॉपर्टी की ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहा है एक पर्सन जो कि है डोनर, जो ट्रांसफर कर रहा है वो है डोनर टू अदर पर्सन। कौन है जो जिसको कर रहा है डोनी, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो डोनी बाय ऑन द बिहाफ ऑफ द डोनी। ठीक है कि गिफ्ट क्या है? एस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है किसी एग्जिस्टिंग मूवेबल प्रॉपर्टी का या इमूवेबल प्रॉपर्टी का विदाउट किसी प्रेशर, थ्रेट, इंड्यूसमेंट, विदाउट कंसीडरेशन एक पर्सन जिसको हम डोनर कहते हैं से दूसरे पर्सन को जो उस गिफ्ट के लिए एक्सेप्टेंस दे रहा है अपनी डोनी को किया जाता है, उसको हम गिफ्ट कहते हैं एज पर सेक्शन नंबर 122 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अब अगर हम देखें पार्टीज, तो इसमें दो पार्टीज होती हैं, डोनर और डोनी। डोनर कौन होता है? जो मेक कर रहा है गिफ्ट डीड को वो होगा डोनर, या इसको हम कह सकते हैं जो डिलीवर कर रहा है गिफ्ट को वो है डोनर। और डोनी टू होम गिफ्ट इज मेड, जिसके फेवर में गिफ्ट बनाया जा रहा है, गिफ्ट किया जा रहा है, या फिर हु विल एक्सेप्ट द गिफ्ट, जो अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है गिफ्ट के लिए उसको डोनी कहते हैं। डोनर जो डिलीवर कर रहा है, डोनी जो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। अब अगर हम इसेंशियल्स की बात करें तो इसके अंदर इसेंशियल होते हैं कि पहले तो ट्रांसफर करनी होती है आपको ऑनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। दूसरा एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, कोई पास्ट या फिर फ्यूचर की प्रॉपर्टी ना होकर प्रेजेंट की जो प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए। उसके बाद है ट्रांसफर विदाउट कंसीडरेशन, कि ट्रांसफर कैसा होना चाहिए गिफ्ट के अंदर, विदाउट कंसीडरेशन होना चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट, डोनी है जो उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी हो, उसने एक्सेप्ट कर लिया हो उस गिफ्ट को, और ये वॉलंटरली विद फ्री कंसेंट, यानी कि जो डोनर है वो वॉलंटरली कर रहा हो, अपनी फ्री कंसेंट के साथ कर रहा हो। इसेंशियल है हमारे पांच। एक तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना चाहिए, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर होना चाहिए, और ट्रांसफर क्या है, विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए डोनी की, और डोनर क्या होना डोनर वॉलंटरली और फ्री कंसेंट के साथ ट्रांसफर कर रहा हो। अब हम देखते हैं गिफ्ट डीड को ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, उसका फॉर्मेट। तो पहले तो जो गिफ्ट कर रहा है प्रॉपर्टी यानी कि डोनर, उसकी डिटेल्स देनी होगी कि डैश
आई डैश सन ऑफ डैश एज अबाउट ईयर, मतलब उसकी डिटेल्स, उसकी पर्सनल डिटेल्स, रेजिडेंट कहाँ का रेजिडेंट है वो, ये सब उसकी पर्सनल डिटेल्स के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हमें करना होगा डू हेयर बाई स्टेट्स एज अंडर, क्या पहला पॉइंट इसको पॉइंट्स के अंदर लिखना है। पॉइंट्स हमारे शुरू होंगे दैट से, जैसे हमने प्लेंट के अंदर शुरू किए थे, दैट आई हैव मेड अ गिफ्ट ऑफ माई प्रॉपर्टी विच इज सिचुएटेड इन, कौन सी जगह और कौन सी प्रॉपर्टी है वो मेंशन कर देंगे। टू द डैश किसको दे रहा है, अब यहाँ डोनी की डिटेल्स होंगी, डोनी और उसके डोनर के साथ रिलेशन क्या है, मतलब डोनर का डोनी के साथ रिलेशन क्या है, उसका ग्रैंडसन है, उसकी ग्रैंड डॉटर है, कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, तो वो हम यहाँ लिख देंगे इस जगह। हु इज माई डैश डैश के आगे हमें उसका रिलेशन लिखना होगा। सेकेंड पॉइंट लिखेगा दैट द अफोरसेड गिफ्ट इज मेड आउट माई नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कि ये जो गिफ्ट है जो ऊपर मेंशन कर दिया उसने, यहाँ मेंशन किया हुआ है जो यहाँ मेंशन किया हुआ है जो वो क्या है, हु इज गिफ्ट के नेचुरल लव और अफेक्शन के अंदर दिया गया है वो। कोई मतलब ऐसे बहला, किसी ने उसको थ्रेट वगैरह के थ्रू नहीं दिया, नेचुरल लव और अफेक्शन के चलते उसने गिफ्ट की है। दैट द गिफ्टेड प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू माई, जिसको हमने यहाँ जिसका रिलेशन लिखा था ना, वही हो सकता है वो फ्रेंड हो या ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन या सन ही हो, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे कि ट्रांसफर टू माई डैश, हम मान के चलते हैं चलो सन को कर दी। ही इज द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम दी, अब वो कह रहा है कि ये जो गिफ्ट गिफ्ट की गई है प्रॉपर्टी, इसको ये अब ऑनर हो जाएगा उस प्रॉपर्टी का, कौन सी डेट से, जिस दिन से वो डेट गिफ्ट डीड को एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो वाली डेट यहाँ लिख दी जाएगी, मेंशन एज डीड। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर्सनल डिटेल्स देनी है किसकी, जो डोनर है उसकी, डोनर कौन होता है जो गिफ्ट को डिलीवर कर रहा है। उसके बाद हमने देखा हमें जो डिटेल्स देनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी को वो कर रहा है डिलीवर, और किसको कर रहा है, डोनी को कर रहा है, डोनी का क्या नाम है, डोनी का उसके साथ क्या रिलेशन है वो मेंशन करना है, और उसके बाद देना है कि ये नेचुरल लव और अफेक्शन के अंदर दी गई है, और फिर हमें प्रॉपर्टी मतलब बताना है कि अब से ये ओनर है इस तारीख से, जो डेट इसके अंदर मेंशन की गई है उस डेट से ये उस प्रॉपर्टी का ओनर होगा। फोर्थ पॉइंट अपना कह रहा है दैट द डोनी इज एब्सोल्यूट फ्री एंड एंटाइटेड टू यूज द सेड प्रॉपर्टी एट हिज ओन विल, कि अब डोनी जो है वो क्या है कि एब्सोल्यूटली फ्री है, इंटाइटल है, उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है अपनी इच्छा से, जैसे वो चाहे वैसे। दैट आई शैल हैव नो राइट व्हाटसएवर इन द अफोर मेंशन प्रॉपर्टी, अब जब से मैंने उसको गिफ्ट कर दी वो प्रॉपर्टी, मेरा उसके अंदर कोई राइट नहीं है। ये कौन बोल रहा है, डोनर बोल रहा है। दैट आई हैव गिवन द सैड गिफ्ट आउट ऑफ माई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी विद फ्री कंसेंट, और जो मैंने ये गिफ्ट की है ना प्रॉपर्टी, ये कोई मेरी इनहेरिटेंस मतलब प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, मैंने खुद बनाई थी ये प्रॉपर्टी और अपनी फ्री कंसेंट से मैं इसको दे रहा हूँ, डोनी को दे रहा हूँ। ठीक है, सिग्नेचर हो जाएंगे यहाँ डोनर के, और यहाँ दो विटनेसेस के सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ और यहाँ, यहाँ किसके सिग्नेचर हो जाएंगे, जो विटनेस होंगे, ये होता है अपना गिफ्ट को ड्राफ्ट करने का फॉर्मेट। इसको विटनेसेस के सिग्नेचर हो जाएंगे यहाँ, और जैसे यहाँ लिख दिया हमने, किया था ना पीछे विल के अंदर, सेम वैसे ही यहाँ नेम उसका हो जाएगा, यहाँ उसका प्लेस यानी कि एड्रेस हो जाएगा, एड्रेस ही लिख दो दोनों की, यहाँ उसका नेम, यहाँ उसका एड्रेस, यहाँ दूसरे दूसरे का, विटनेसेस वन विटनेस टू, यहाँ विटनेसेस टू, विटनेस टू के सिग्नेचर, और यहाँ तो फिर है ही अपने डोनर के सिग्नेचर हो जाएंगे, इधर विटनेसेस के होंगे,
इधर डोनर की सिग्नेचर हो जाएंगी। तो ये थी हमारी गिफ्ट डीड कि कैसे ड्राफ्ट की जाती है। सबसे पहले तो हमने डोनर की डिटेल्स देनी है, उसके बाद हमें प्रॉपर्टी की डिटेल्स देनी है और किसको डिलीवर की जा रही है, डोनी को क्या नाम है उसका, क्या डोनर के साथ उसका रिलेशन है वो बताते हुए कि लव, फिर देना है कि लव और अफेक्शन के थ्रू ये प्रॉपर्टी डिलीवर की जा रही है, और इन सबको मेंशन करते हुए उसके बाद हमें बताना है कि इस तारीख से इस डेट से जो मेंशन की हुई है डीड के अंदर उससे अब ये बंदा जो डोनी है वो अब से इसका रियल ओनर हो जाएगा, एब्सोल्यूट ओनर हो जाएगा। फिर उसके बाद कि वो इस प्रॉपर्टी को जैसा वो चाहे वैसा उसको यूज कर सकता है, अपनी मर्जी से कर सकता है, इंटाइटल है उसको यूज करने के लिए दैट। और जो डोनर है फिर वो कह रहा है कि अब से इस प्रॉपर्टी पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैंने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। और उसके बाद लास्ट में हमें देखना है कि ये बताना है कि ये जो मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी और मैंने फ्री कंसेंट के साथ उसको दे दी। उसके बाद विटनेसेस के सिग्नेचर, दो विटनेसेस के मैक्सिमम मतलब सिग्नेचर होने ही चाहिए, मिनिमम दो के। उसका नेम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, विटनेसेस वन का नेम, विटनेस वन का एड्रेस, विटनेस टू का नेम और विटनेस टू का एड्रेस, और सिग्नेचर हो जाएंगे यहाँ अपने डोनर के। तो ये था हमें हमारा गिफ्ट डीड को ड्राफ्ट करने का फॉर्मेट, और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और डीड को ड्राफ्ट करने का फॉर्मेट देखेंगे। तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।